यहाँ पे कुकिंग चल रही है अभी। ये बियर है, किचन इज हैविंग बियर। ये है फ्रॉम मॉरिशियस। एक आइलैंड पे, बैक साइड में ये है डियर आइलैंड, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो जी ये जो राइट साइड में है ये कोस्टल रोड है, जो पहले भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, और गाड़ी आगे भी है। आई डोंट नो टेबल है क्या है, यहाँ पे बैठ के आप रिलैक्स कर सकते हो। देखिए सी भी है, ये अपनी कैटामरन जिसमें गया था मैं लास्ट टाइम, और ये सामने फॉरेस्ट। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग फ्रॉम मॉरिशियस। और आज मैं जा रहा हूँ, एक आइलैंड है यहाँ पे जिसका नाम है इलोसिया इन फ्रेंच, और हिंदी में बोले तो डियर आइलैंड, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डियर्स हैं, बहुत सारे हिरन हैं वहाँ पे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है जो मैंने सुना अभी तक। अब मैं वहीं जाके जब मैं देखूँगा तब मेरे को पता चलेगा। वहाँ पर स्विमिंग भी कर सकते हैं आप, मे बी अगर मेरा टाइम रहा तो मैं पैरासीलिंग भी करूँगा वहाँ पर, और एंजॉय तो करेंगे करेंगे। लेकिन लास्ट टाइम मैं गया था कैटामरन में, जो कैटामरन बड़े वाली जो बोट थी उसमें अंदर ही बारबेक्यू था, सब चीज़ थी। हम दो आइलैंड हमने कवर किए थे उस दिन भी। और आज का सिस्टम कुछ ऐसा है, आज केवल स्पीड बोट जो छोटे वाली होती है, बहुत स्पीड से जाती है, वो जल्दी छोड़ेगी हमें उस आइलैंड पर, और फिर आइलैंड पर जाके हम लोग एंजॉय करेंगे, पूरा फन करेंगे, और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा कैसा वो आइलैंड है। अभी तक जो मैंने सुना, मुझे 5 लोगों ने तो अभी तक बोल दिया है इट्स अ रियली ब्यूटीफुल आइलैंड, मस्ट विजिट प्लेस है, वो भी मॉरिशस में। और डियर आइलैंड आप कहेंगे तो कोई भी समझ जाएगा, डियर आइलैंड हिरन वाला आइलैंड, मतलब जो बहुत सारे हिरन वहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए उसको डियर आइलैंड भी कहते हैं। और बाकी तो चलते हैं वहीं पे, देखते हैं। दिन की शुरुआत तो हो चुकी है आज, अब निकलते हैं यहाँ से। अपना बैग तो पैक कर लिया है, बाकी सब चीज़ें देखते हैं वहाँ पे पहुँच के, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। वहाँ पे ड्रोन उड़ा सकता हूँ, बस एक जो ब्लू वे था, ब्लू वे पे मैं नहीं उड़ा पाया हूँ अभी तक, क्योंकि बहुत पास में एयरपोर्ट, तो मे बी परमिशन नहीं दे रहा है मेरा ड्रोन उड़ाने के लिए। तो अब चलते हैं, मैं आपको डायरेक्ट टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, अपना वहीं पे मिलते हैं आइलैंड पे पहुँच के। तैयारी हो रही है जी जाने की, थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह हो रही है गाड़ी की, निकल लें फिर डायरेक्ट। सचिन इज डूइंग समथिंग। राइट साइड में है, ये कोस्टल रोड है जो पहले भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, और गाड़ी आगे भी जा रही है, और एक में हम बैठे हुए हैं। एक्चुअली क्या है, यहाँ से जहाँ से मैं जा रहा हूँ मेबर्ग से, यहाँ से ऑलमोस्ट अभी जो है 45 मिनट्स है मिनिमम जो टाइम है। अब देखते हैं जहाँ से हमें फेरी लेनी है स्पीड बोट, वो 45 मिनट्स अवे है यहाँ से। अब जाके वहाँ पर देखते हैं क्या क्या सिस्टम है, चेक करते हैं। He drives very fast. यहाँ पे लिखा है बड़ा बड़ा स्विमिंग नॉट अलाउड, और पेड़ ऐसा है जो देखा ही नहीं। बहुत ही बड़ा पेड़ है भाई, जस्ट बराबर में। एक्चुअली जी जो सिस्टम है वो ये हो गया है अब। ओह ये जा रही, देखिए कैटामरन जिसमें हम गए थे लास्ट टाइम, जो आपने वीडियो अगर देखी हो तो बहुत अच्छा लगा होगा, नहीं देखी तो दोबारा जाके देख लीजिए, जिन जिन ने नहीं देखी है मेरे चैनल पे ही है। तो फेरी तो यहीं से मिलेगी, फेरी में जाएंगे अपना और दूसरे आइलैंड की ओर, जैसे ये लोग जा रहे हैं। बट इस बोट का कुछ अलग ही मज़ा है कैटामरन का, मैं बता रहा हूँ। अगर आपका भी मॉरिशस आते हैं और आप पे टाइम है, और अगर आपको बुकिंग मिल रही है इसकी, ये मस्ट विजिट है ये भी जगह, और ये बोट इसमें ये दो आइलैंड ले जाते हैं, और फूड वगैरह भी इसमें होता है, और ड्रिंक्स वगैरह भी होती हैं, वो भी अनलिमिटेड होती हैं जितने भी आप चाहें। ओहो हो मज़ा ही कुछ और आता है। फिर डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स पे रुक जाती है, वहाँ पे आप स्विम कर सकते हो, रुकिए मज़े कीजिए, फिर वापसी आपको लेकर आते हैं जहाँ से चलते हैं, जहाँ से आप कैटामरन लेते हैं। जिस देखिए सी भी है, ये अपनी कैटामरन जिसमें गया था मैं लास्ट टाइम, और ये सामने फॉरेस्ट और माउंटेन्स। तो ये है लोकेशन जहाँ से फेरी मिलेगी, पीछे वो गलत वाला था, वो मुझे नहीं पता था रास्ता, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम चले गए उस पर। लेकिन
ये है एक्चुअल लोकेशन जहाँ से अपनी स्पीड बोट मिलेगी, और यहीं से जाएंगे अपना दूसरे आइलैंड पे। तो जी उतर गए हैं, बस इंतज़ार हो रहा है बोट का, स्पीड बोट आते ही। दूसरे एक आइलैंड पे जा रहे हैं आज छोटी बोट में, जो स्पीड बोट होती है। लास्ट टाइम कैटामरन पे गए थे और स्पीड बोट में जा रहे हैं, और उसका नाम है डियर आइलैंड। बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड है। जितने हो सकता है उतने आइलैंड देखूंगा मैं जब तक मॉरिशस में हूँ। दो तीन चार, तीन हो चुके हैं। अब आज जिस पे जा रहे हैं वो भी चेक करते हैं। देख तक क्या प्लेन, you must not come too close to that island, that's why you have those sticks. तो ये है वो डियर आइलैंड, पहुंचने वाले हैं। स्पीड बोट नॉइज, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। अब पार्क करते हैं स्पीड बोट को, देन लेके चलते हैं आपको डियर आइलैंड पे। बहुत सारे लोग आते हैं इस पे, ये लोग जा रहे हैं, इनका हो गया टाइम पूरा। अब यहाँ पे पार्क करेंगे और चलते हैं। तो जी आ गए हैं आइलैंड पे, अब देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी है करने के लिए। अगर यहाँ पे पैरा सीलिंग हो रही होगी तो पैरा सीलिंग तो आज करनी करनी है। अब वाटर बहुत क्लीन है आपके सामने, और लोग बाग तो भर भर के आए हुए हैं यहाँ पे। खाने पीने का भी सिस्टम है इस वाले आइलैंड पे, इट्स गुड। तो उधर की तरफ चलते हैं। ट्रीज बहुत हैं इस वाले आइलैंड पे। और बहुत ही साइलेंट है ये आइलैंड, बिल्कुल मज़ा आ रहा है यहाँ पे। वेव्स तो है ही नहीं बिल्कुल भी। अभी उधर चढ़ के लेटेंगे, पहले तो स्विम करते हैं, ड्रोन शॉट उड़ाते हैं अपना, ड्रोन उड़ाते हैं, ड्रोन के शॉट्स लेते हैं कुछ, देन चलते हैं पीछे तक है। सचिन इज गोइंग समवेयर, आई थिंक उधर वॉशरूम वगैरह भी हैं, चेक करते हैं। ये बढ़िया है सिस्टम यहाँ बैठने का ना, इस पर बैठ सकते हैं अपना, लेट जाइए।
यहाँ पे कुकिंग चल रही है अभी. ये बियर है. सचिन इज हैविंग बियर. चीयर्स फ्रॉम मॉरिशियस. चीयर्स. और ये बीच है पूरा. अब स्विमिंग चलेगी यहाँ पे. अभी एंजॉय चल रहा है यहाँ पे. है एक आइलैंड पे बैक साइड में. ये है डियर आइलैंड. बहुत ही ब्यूटीफुल है. और इसमें पीछे पेड़ बहुत हैं. ये ब्यूटीफुल बीच है यहाँ पे. बहुत बड़ा है बीच भी और आइलैंड भी बहुत ब्यूटीफुल है. बैक में आप देख सकते हैं बहुत ही क्लीन है. और अभी तो हम बियर पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. अब चलते हैं, थोड़ा सा स्विम वगैरह करते हैं, देन उसके बाद मिलते हैं. चीयर्स. So we are having beer on the beach. What the island name? Ilocia. Ilocia with Sachin, and we are having fun right now. Cheers. Cheers. See, कितनी प्यारी प्यारी birds हैं. खाने के लिए आ रही हैं. और बिल्कुल बराबर में. देखिए खाने. और वो जो आप सामने देख रहे हो, ये helicopter ride भी आप कर सकते हो. ये जी 20,000 रुपीस की है. विकी इट्स 25,000 or 20,000 or 25,000. बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव है. इसमें पूरा आइलैंड घुमाते हैं आपको हेलीकॉप्टर में. इसका एक्चुअल प्राइस भी मैं साइड में यहाँ मेंशन कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा. मैं पता करता हूँ. इसमें पूरा ऊपर से व्यू दिखाते हैं आपको, पूरा पैनोरामिक व्यू. अच्छा, ये भी कर सकते हैं आप यहाँ पे एक एक्टिविटी. वहाँ से उड़ाता ये पीछे से उड़ता हुआ चला गया पूरा आइलैंड घुमाने उनको. तो जी मज़ा पूरा आता है आइलैंड पे आके. पूरा सुबह से शाम बैठे रहो आप, लेकिन अपना सामान अगर आपको मिल जाए, हम सब पूरा लेकर चले हैं. सचिन ने पूरा अरेंजमेंट किया है. इट्स रियली गुड. या हाँ, बट दिस इज़ नॉट लीगल. हमें परमिशन मिल गई है बट ये लीगल नहीं है. और साथ में है अपने पास बियर जो कि हम पी रहे हैं. फुल ऑन एंजॉय चल रहा है. इट्स गुड. और नज़ारा आपके सामने है. Okay, they're doing first. Yeah. Watch them.